साथियों, हम सभी भारतीय इस साल अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के 75वें वर्ष में भारत अभूतपूर्व इंक्लूसिवनेस और इससे प्रोत्साहित होने वाली करोड़ों एस्पिरेशंस का गवाह बन रहा है। भारत आज अभूतपूर्व संभावनाओं से भरा है। भारत एक मजबूत सरकार के नेतृत्व में, एक स्थिर सरकार के नेतृत्व में, एक निर्णायक सरकार के नेतृत्व में नए सपने भी देख रहा है, नए संकल्प भी ले रहा है और संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भी है। हमारी पॉलिसी स्पष्ट है और रिफॉर्म्स के लिए भरपूर कमिटमेंट है। 5 साल बाद हमें कहां पहुंचना है ये भी तय है और आने वाले 25 साल के लिए जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, 25 साल के बाद हमें कहां पहुंचना है, 25 साल के लिए आत्मनिर्भरता का रोड मैप भी तैयार है। साथियों, वो दिन चले गए, साथियों वो दिन चले गए जब दुनिया में कुछ होता था तो हम रोना रोते थे। भारत आज वैश्विक चुनौतियों का रोना रोने वाला देश नहीं है, बल्कि भारत आज आगे बढ़कर इन चुनौतियों का समाधान दे रहा है। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस फंड CDRI के माध्यम से हम पूरी दुनिया को आपदाओं से लड़ने में सक्षम बनाना चाहते हैं। आज हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए दुनिया भर के देशों को एक मंच पर ला रहे हैं ताकि सस्ती और एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी का लाभ दुनिया को दे सके। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड, ये सपना हमने दुनिया के सामने रखा है। इसके लाभ भारत ने बीते 8 वर्ष में खुद अनुभव भी किए हैं। भारत में सोलर पावर की रिकॉर्ड कैपेसिटी तो बिल्ड हुई है, ये 2-2.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से उपलब्ध है। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी जिस स्केल पर भारत काम कर रहा है, जर्मनी जैसे मित्र देशों के साथ साझेदारी कर रहा है, तो उसमें भी मानवता का ही हित है। भारत में WHO सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित होने से भारत दुनिया की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों का ग्लोबल सेंटर भी बन रहा है। साथियों, योग की ताकत क्या है ये तो आप भलीभांति जानते हैं। पूरी दुनिया को नाक पकड़वा दिया है।